क्रॉसिंग बॉर्डर। यहाँ पर थोड़ी बहुत फोटो सेशन कर रहे थे इन सबके साथ। क्या हुआ है आगे? एक्सीडेंट हो गया। नॉट गुड, नॉट गुड। क्या अभी अपन जा रहे हैं रॉन्ग वे? ओ एम जी, ये देखो पूरा एम्बुलेंस भी आ गई है, एम्बुलेंस में डाल रहे। मेरी गाड़ी है, देखो देखो बंद पड़ी है, बंद पड़ी। अरे अरे चल भाई, फुल थ्रॉटल है, देखो देखो बंद पड़ी। बस मैं जगह ढूंढ रही हूँ कि कहाँ पे साइड में रुका के मैं उल्टी कर लूँ। परीक्षा आसान नहीं है इसके लिए तैयार रहना चाहिए था मुझे। वो कह रहा है मेरे से मैं क्यों इतना चला रही हूँ, ऑल दिस नेगेटिव क्वेश्चंस चालू हो गए थे। भाई कुछ तो गड़बड़ चल रहा है मेरे साथ, जो रास्ता है वो हो रहा है स्कैम मेरे साथ, मजाक चालू हो गया मेरे साथ। देखो लाइफ में इतना ही नहीं, सिर्फ बाइक चलाना है, व्लॉग करना है। माँ बता रहा है यहाँ से राइट, अंकल बता रहा है यहाँ से लेफ्ट। भाई 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 आगे पेट्रोल पंप है क्या? महामृत्युंजय द्वार। अचानक से ना धूले मेरे को बहुत दूर नजर आ रहा था, एंड बिकॉज इतनी ज्यादा धूपन है यहाँ पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इट इज जस्ट मेंटली टू एग्जॉस्टिंग के कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, मतलब कुछ क्या छाव दिखाई दे नहीं रही है, एंड व्हाट यू सी इज ओनली धूप धूप वाला रास्ता। बट लकीली एक पेट्रोल पंप दिख गया जहाँ पर हार्डली कोई है, लाइक देयर इज नोबडी अराउंड, एंड सावली दिखी इतना ही पार्ट में। मैंने मस्त अपनी बाइक पार्क कर दिया है, अपना जो काम निपटा रहा काम निपटा लिया है पीछे। काम मतलब क्या ही होता है, वॉशरूम जाना, विच इज क्लीन, एंड यहाँ पर 5 मिनट का ब्रेक लूँगी, फिर अभी धूले में नहीं रुकूंगा, अभी धूले क्रॉस करके ही रुकेंगे। बट यहाँ पर जो टेम्परेचर है इट इज़ 40+। 40+ टेम्परेचर समझ में आता है, बट 40+ टेम्परेचर जब आसपास कुछ नहीं है, जस्ट बैरन लैंड, तब समझ में नहीं आता है। और चीज़ मेरे लिए ना, महादेव के दर्शन करना इट्स नेवर बीन दैट ईजी, इट्स ऑलवेज कठिन, हमेशा डिफिकल्टी हुई है दर्शन लेने में। मतलब कुछ ना कुछ अड़चने आती है, वो क्या होता है ना, देखो बुलावा तो अपने को आया 100%, बट भगवान बोलते ना कि इतनी आसानी से मैं तेरे को दर्शन करवा दूंगा, नहीं, अगर भगवान इतनी आसानी से अपने को दिख जाते, मिल जाते, दर्शन हो जाते, तो आप लोग बैठ के मेरा वीडियो थोड़ी देखते। बट जोक्स अपार्ट, हम सब के लिए आई एम गोना गो देयर एंड प्रे, एंड जो भी कठिनाई है उसको पार करके, आई जस्ट विश टू रीच देयर। काफ़ी सालों से मैं वेट कर रही हूँ कि महाकाल के दर्शन हो जाए, बट आज तक हुए नहीं है। हमेशा मैं क्रॉस हुई हूँ वहाँ से, बट दर्शन हुए नहीं, तो दिस टाइम फिंगर्स क्रॉस्ड। सुपर एक्साइटेड, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं। किलोमीटर्स चेक, इट इज़ 300 राइट नाउ, 300 किलोमीटर हो गया है। पेट्रोल पंप पे सही टाइम पे रुके दादा, थैंक यू। यहाँ से अभी निकलेंगे, इन्होंने मुझे यहाँ पर रुकना पड़ दिया था। मी मुंबई, मी सध्या चालले नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम, अरुणाचल, हाँ गुवाहाटी तिकडे चालले, पण आज उज्जैनला जाणार आहे एकटे। 348 किलोमीटर्स मोर टू गो। चला थैंक यू। ये ही सेड हैप्पी जर्नी, जर्नी तो हैप्पी हैप्पी होनी चाहिए ना। मच नीडेड ब्रेक था भाई ये, इतना अच्छा लग रहा है मेरे को रुकने के बाद यहाँ पर। अचानक से ऐसे लग रहा है मेरे शरीर में ना फिर से जान आ गई हो। धूले ओनली 7 किलोमीटर इकड़ना, ओनली 7 किलोमीटर में धूले पहुंचने वाला है, एंड दूसरा टोल गेट दिखाई दे रहा है। मुझे बताओ तुम लोग को टोल गेट याद है मैंने कितने क्रॉस किया है अभी तक का? अगर याद है तो कमेंट कर दो। भाई इस रास्ते पे देखने लायक कुछ तो दिखा दो, मेरी आंखें तरस रही है, कुछ है ही नहीं, ऐसा लग रहा है सब चलाए जा रही हूँ, और सेम ऐसी बैरन लैंड ऑन माई लेफ्ट, बैरन लैंड ऑन माई राइट, सिर्फ तड़कती फड़कती धूप है, और रास्ते भी काफ़ी ख़राब है यार। आज ज़्यादा रास्ते तो बन ही रहे हैं यहाँ पर, टेढ़े मेढ़े रास्ते। ये कुछ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है लेफ्ट में, बस 2 सेकंड की खुशी छीन ली यार। यहाँ पर टपरी पे ना मेरे को चाय दिखाई दे रहा है, और बर्नी में रखे हैं बिस्किट दिखाई दे रहा है। आई सी नो होटल, एंड अगर ऐसा जंक्शन आता है ना किसी गाँव का, तो उसमें जलेबी, फाफड़ा एंड गन्ने का जूस बस। दिस इज़ रियली बैड, यहाँ पर काफ़ी टाइम से लोग रुके हुए हैं, पता नहीं कितने टाइम से, बट ट्रैफिक आगे मूव ही नहीं हो रही है, एंड यहाँ पर है पूरा रेड। रेड मींस कुछ तो हुआ है, लाइक अ मेजर एक्सीडेंट और रोड क्लोज और समथिंग लाइक दैट। क्या हुआ है आगे? एक्सीडेंट हो गया। इट्स टाइम फॉर यू टर्न, ओह नो, 3-4 घंटे बोले अंकल ने। चलो भाई बाइक को तो घुमा ही सकते हैं, उस साइड से जाना मतलब किधर से जाने का। अबे यार ये लोग तो यही से निकाल रहे हैं, अपना तो सीन हो जाएगा। नॉट गुड। भाई कैसे मैंने गाड़ी निकाला है मेरे को मालूम है। ओह माय गॉड, रॉन्ग वे से पूरा निकाल दिया भाई के लोगों ने, बोला कि निकाल दो गाड़ी। वही है ना, 2 पहिए नहीं है, 4 पहिए है, 4 पहिए को ऑलरेडी ट्रैफिक में अटकी हुई, कैसे वैसे निकाल के अभी अपन जा रहे हैं रॉन्ग वे। मैं अकेले नहीं हूँ, अभी कार्स भी है जो मार रही, जो पीछे पीछे खड़ी थी वो,
एंड बाइक्स भी है जो यहाँ से रॉन्ग वे जा रही है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा डिस्टेंस जाना पड़ेगा, देन वी कैन गो ऑन दी अदर साइड। अभी यहाँ से आगे जाके देखेंगे तो समझ में आएगा कि हुआ क्या है। देखो ये जो जाम है वो शुरू हो गया है भाई, सामने से देखो एक मैं आ रहा हूँ। दिस इज वे टू रिस्की और बट कहाँ तक है ना मालूम पड़ेगा अपने को। ये OMG ये पूरा गिर गया इनका कांदा टमाटर आलू का जो है, ये देखो पूरा गोनी गिर गई। वही है ना ओवरलोड शायद करते तो। अरे रे 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 एम्बुलेंस भी आ गई है, एम्बुलेंस में डाल रहे। शिट ज़्यादा नहीं था, हार्डली 300 meters एंड पूरा गंदा एक्सीडेंट हुआ है। ख़राब लगता है यार, ये क्या होता है ना, या तो गाड़ी ओवरलोड करके बहुत ज़्यादा जाते हैं एंड वो गाड़ी पलट जाती है। अभी वो गाड़ी पलटी तो पलटी, बट आसपास जो इंसान रहता है स्पेशली बाइकर वाले ना, उनके ऊपर गाड़ी पलटती है एंड देन दैट इज़ हाउ दे गेट इंजर्ड। ये कांड हुआ है पीछे, बच गया अपन। ये जब अपन क्रैश करें जैसे तापी रिवर के ऊपर से जा रहे हैं, इसलिए कोई भी काम करने से पहले भगवान का नाम लेने का और घर से निकालने का बाबा, कि सुरक्षित वापस सही सलामत घर पहुंचा दे वन पीस में जिंदा। वेरी इंपॉर्टेंट टोल गेट फॉर अस, महाराष्ट्र MP बॉर्डर धुले हाईवे, शिरपुर वाला टोल गेट है ये। जैसे महाराष्ट्र क्रॉस होएगा ना, MP एंटर करेगा ना अपन, अपने को मिलेगा हाईवे ट्रीट, मिड ट्रीट, हाईवे रिट्रीट, ऐसा जगह होती है मतलब खाने के लिए स्पेशली MP में होता है। ये आ गया देखो हाईवेनेस, क्या मिलेगा यहाँ पर खाने को, आई डोंट नो। भूख लगी यार, कुछ खाना है मेरे को, नहीं पैक्ड फूड नहीं खाना है मेरे को, गरम गरम रोटी खानी है। ऐसे टाइम पे तो पकड़ी भी चल जाएगी। इंदौर 207, उज्जैन 251 एंड वी आर क्रॉसिंग बॉर्डर। हाँ चेक पोस्ट, खुशी हो रही है मुझे ये चेक पोस्ट देख कर, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है भाई। आइसक्रीम नहीं खा सकते, ये कुछ नहीं है यहाँ पर। ओ नो परमेश्वरा, भूख लग गई। किलोमीटर्स चेक स्कोर 400 आई था, 400 किलोमीटर हमने कर लिया, बल्ले बल्ले। ओ शाबाश शाबाश। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि टाइम हो रहा है 1:30, बल्ले बल्ले ए शाबाश शाबाश। एंड उज्जैन पहुँचने को खाली 250 किलोमीटर्स है अपने को, ए बल्ले बल्ले ए शाबाश शाबाश। आई एम जस्ट टू हैप्पी, होटल खुशी दिखी मुझे, आई रे खुशी। क्या लगता है कुछ मिलेगा खाने को, चाहा लिखा हुआ है, फक्त चाहा। थोड़ी डिसेंट लग तो रही थी होटल, थोड़ा और सर 10-20 किलोमीटर के बाद दिखते हैं जहाँ पर पेट्रोल भी भरवा लूँगी, खा भी लूँगी। और नॉट द फ्यूल अप, माई हैंड्स आर टर्न। वर परन तो नका भरा, बस नहीं, पेट्रोल भरने के बाद वापस गाड़ी झटका खाना शुरू हो गई है। टॉप अप तो करवा लिया है मैंने अभी, अभी पेट्रोल का टेंशन नहीं है, अभी एक लास्ट टॉप अप करवाना पड़ेगा उज्जैन पहुंचने के पहले। फिलहाल अपन ढूंढेंगे मस्त वाला जगह जहाँ पर सुकून से बैठ के खाएंगे। अभी यहाँ मेरे को ना वो ककड़ी भी खाने का मन कर रहा है, यहाँ पर ना ककड़ी मिलती है जो नर्मदा के पानी के बैंक के पास जो ककड़ी होती है ना, वो वाली ककड़ी मैंने लास्ट टाइम खाया था, अब वो कहाँ खाया था याद नहीं आ रहा है, कितना दूर था वो। इंदौर 180 चेक पोस्ट, दिस इज खालगढ़ चेंदवा रोड। मेरी गाड़ी है, देखो बंद पड़ी। अरे अरे चल भाई फुल थ्रॉटल है, देखो बंद। अरे 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 चल ही नहीं रही है, फिर से इसको एयर पकड़ लिया है लगता, अगर ऐसे टाइम में मेरे पीछे कोई रहेगा तो फिर कितना रिस्की हो जाता है। बहुत मुश्किल से एक होटल मिल गई जिसका नाम है अग्रवाल मिडवे, गुड प्लेस। गाड़ी यहाँ तक आती है, सामने एक मैं बैठने वाली खाने वाली हूँ। टाइम चेक 2:00 राइट नाउ, 1 kilometer चेक 221 राइट नाउ कम्प्लीटेड। भूख लगी जोरात, जब तक मैं बाइक पे बैठी रहती हूँ ना तब तक फुल पावरफुल जोश होता है मेरे में, मतलब आई कैन राइड नॉन स्टॉप, इतना चला सकती हूँ मैं बाइक। बट अचानक से ना मेरे पेट ने जवाब दे दी है, एंड जवाब ऐसा दी कि मेरे पेट में से आवाज़ आने को लगी एंड आई हैड टू ईट एंड स्टॉप। बट रास्ते में ऐसा कोई जगह मिल ही नहीं रहा था जहाँ पर मुझे ऐसा कुछ खाने को मिल जाए, छोटी छोटी जगह थी। शकर पे मैं जाऊँ दिस इज़ वाइड स्पेस एंड मैं खा रही हूँ सिर्फ चीज़ डोसा, लाइट है, अच्छा है, हेल्दी है एंड पेट भरेगा, एंड विद डोसा नथिंग कैन गो रॉन्ग। मैं जोर से करना चाहती हूँ बट मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं, इनका जो होटल है ना वो अंदर है, अंदर बैठ के खाते, ये सिर्फ स्नैक्स के लिए है। मेरा अपनी जो गाड़ी है वो मैंने बाहर पार्क की है एंड मेरे को ऐसे आँख के सामने दिखनी चाहिए मेरी गाड़ी,
मेरा हेलमेट, मेरा जैकेट, सब कुछ उसी पे है, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठ के बिना ही सीखे जिग पे बैठ के मैं खाना खा रही हूँ। एंजॉय द डोसा। इतने से एक डोसे में आज तक इसका पेट भरा है? एटलीस्ट मेरा तो कभी नहीं भरा है, घर पे तो बिल्कुल नहीं भरता है, बाहर का तो मतलब पूछो ही नहीं। इसलिए मैंने सिर्फ मंगाया बाजरे की रोटी, इसके साथ कुछ नहीं है, दाल वाल है नहीं, घी वाली मंगाया बाजरे की रोटी, जिसको मैं सांभर एंड चटनी के साथ खाने वाली हूँ। दिस इज वेरी हेल्दी, फिलिंग एंड मस्त। मेरा जो पेट है वो फुल हो चुका है अभी, आई थिंक मैंने एक्स्ट्रा खा लिया है खाना, बट ठीक है। यहाँ पर थोड़ी बहुत फोटो सेशन कर रहे थे इन सबके साथ, ऑल द बेस्ट सब किया हमने। अब यहाँ से निकलेंगे देवा। हाँ ओके बाय। वाओ दैट वाज एग्जिट, हीरा वाली एग्जिट ले ली हमने, उनके सामने थोड़ा सा ब्लॉक करने को ऑकवर्ड लग रहा था मेरे को, इसलिए मैं फटफट हेलमेट पहन लिया और हेलमेट से बात करना शुरू कर दिया। अभी तुमने जो वीडियो में देखा है ना, मतलब आगे और पीछे का दोनों कैम का भी वीडियो देखो तुम लोग, वो जो थे दैट इज ओनली 10% ऑफ पीपल दैट आई वाज सराउंडेड विद। बहुत सारे लोग अचानक से आ गए थे जितने भी वहाँ पर खाने को रुके थे, एंड भाई कि ये क्या है, ये पाइप क्या है, चार्ज कैसे होता है, ये क्या है, जरी कैन क्या है, टू मैनी क्वेश्चन। सबके जवाब देते देखते ख़त्म हो गई एनर्जी लूज, बट मज़ा आ गया। इसके पहले ना मेरी पैंट की बटन लग रही थी, अब मेरी पैंट की बटन लग नहीं रही है। या तो डोसा ज़्यादा हो गया, तो बाजे की रोटी ज़्यादा हो गई। अगली बार मैं ध्यान रखूँगी कि सिर्फ एक बाजे की रोटी खाऊँ एंड मस्त जाऊँ। बाय द वे टाइम चेक स्क्वाड, इट इज़ एग्जैक्टली 3 o'clock राइट नाउ, एंड मुझे पहुँचने के लिए बता रहा है 4.5 घंटा, 7 बजे तक, 7-8 बजे तक मैं लगभग पहुँचूँगी। 6:30 का थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया टाइम, क्योंकि मैंने थोड़ा टाइम दिया यार अपने आप को खाने के लिए यहाँ पर, क्योंकि इतना सब अपन मेहनत क्यों करते हैं, पेट के लिए करते हैं राइट, एंड अगर वही चीज़ के लिए टाइम नहीं दे तो कैसे चलेगा। प्लस मम्मी का शक्ल सामने रख के मैं एकदम धीरे धीरे खा रही थी, बिकॉज आई हैव दिस वेरी बैड हैबिट ऑफ ईटिंग फास्ट। मतलब मैं चबाती नहीं हूँ खाना, सीधा फॉलो कर दूँ, निगल लेती हूँ, विच इज़ वेरी रॉन्ग। एंड मम्मी सामने रही तो हमेशा बोलती कि आराम से खा, आराम 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 से खा, हाँ, जिससे मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ती हूँ। बट अभी मम्मी की शक्ल बार बार सामने आ रही थी, एवरीथिंग इज़ गुड, लाइफ इज़ गुड। अभी तक हम बहुत ज़्यादा सेफ है, मैं और रुद्रा सही चल रहे हैं। जो झटके मारने वाला जो था वो भी अभी बंद हो गया है। हाँ, अनदर टोल, खालगढ़ सेंधवा टोल वॉइस लेडीज टॉयलेट, यार काफ़ी अच्छा। यहाँ मेरे पैंट का बटन लग नहीं रहा और ऐसे खड्डे आ रहे हैं, अभी पूरा खाना ऊपर नीचे अयो हो रहा है, ये होता है ओवर ईटिंग। ये जो है वो है इंटीग्रेटेड बॉर्डर चेक पोस्ट, MP का है ये। इतना खाने के बाद जो चला है ना मैंने स्ट्रेच, इट इज़ वेरी बैड, मतलब मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है अभी, आई फील लाइक मैं बेहोश होने वाली हूँ, इट इज़ दैट बैड। एंड मेरा ब्लैडर का पानी है वो भी ख़त्म हो गया है, आई नीड टू रीफिल दिस वाटर ASAP, ताकत नहीं बची है, पूरी बॉडी में शिवर कर रही है अभी, हालत ख़राब, मैं खींच भी नहीं पा रही हूँ। ब्लैडर करेंगे फिल पहला, दोनों बॉटल खाली कर देंगे इसके अंदर। ठंडा पानी, आ गई नर्मदा भैया, नर्मदे हर, अनदर टोल, थोड़ा खड्डा डर, स्लो जाना पड़ेगा अभी, एनर्जी मेरी बड़ी जीरो हो चुकी है अभी, बस मैं जगह ढूंढूँ कि कहाँ पे साइड में रुका के मैं उल्टी कर लूँ, एकदम ख़राब हालत लग रहा है। बाय द वे 5 किलोमीटर हमने कर लिया, 4:30 हो रहे हैं, छाओ छिया छाओ में रुक कर कुछ अच्छा लगेगा। धूप में मैंने पानी मार लिया है, करंटली जो मेरा हाल है वो बहुत ख़राब है, मैंने सोचा था कि मैं धूप में चला पाऊँगी, बट ये धूप है ना अभी वो बोलते ना लू लग गई है, जैसे वही हाल हुआ है मेरा अभी। ऑल्सो आफ्टर ईटिंग आई एम गेटिंग कंटिन्यूस बर्प्स, बाहर का खाना कितने भी अच्छे होटल से, वो बाहर का खाना ही होता है, स्पेशली जब मैंने कुछ बटर चटन नहीं खाया है, अच्छी चीज़ ही खाई है। जहाँ पर मैं रुकी हूँ ना, इसका बोर्ड पिछले 20 मिनट से आ रहा है कि 20 मिनट से है, 10 मिनट से है, 12 मिनट से है, 4 मिनट से है, क्लीनेस्ट वॉशरूम करके इसका ब्रांडिंग किया हुआ है। तो यहाँ पर आके उल्टी ट्राई करूँ, बट उल्टी हुई नहीं है, बस थोड़ी देर यहाँ पर बैठ जाऊँगी जब तक थोड़ा सन डाउन ना हो जाए, और फिर मैं चलाना चालू करूँगी। देखो टाइम हो रहा है 5:10, यहाँ से निकलने का मेरे को बिल्कुल मूड नहीं है, क्योंकि अभी ना हल्की हल्की सी हवा शुरू हो गई, लुक एट दिस, एंड ये हवा खाने के बाद थोड़ा सा बेटर लग रहा है। उल्टी करने का मैंने ट्राई तो किया बट मुझे उल्टी आ नहीं रही है, इस जस्ट उल्टी सारखा वाटता है, बट उल्टी ये इतना है, दैट इज़ द सीन राइट नाउ। एंड मैंने बाल खोल कर जैकेट वैकेट निकाल के पैंट का जो चेन है वो पर निकाल दिया, सो दैट आई कैन ब्रीथ। क्या हो रहा है ना, कंटिन्यूस बाइक के वाइब्रेशन मेरे को काफ़ी टाइम बाद लग रहे हैं, प्लस इतनी ज़्यादा धूप है ना भयंकर वाली, एंड मैंने पेट भर के ओवर खा लिया है। मुझे राइट पे पता है कि एक साथ नहीं खाना चाहिए, ये रूल मैं सबको बोलती हूँ, वीडियोज़ में भी बोलती हूँ, आप लोगों को भी बोलती हूँ, पर ये चीज़ मैंने फॉलो नहीं की। क्या है, बहुत टाइम बाद मैं बाहर निकली,
राइड पे, आज सोचा कि चलो खाना खा लेते, हेल्दी ज़्यादा खाएंगे तो पेट में दुखेगा, कुछ होगा नहीं। बट मैं भूल गई थी अपन अभी जस्ट फूड पॉइजनिंग से बाहर आए हुए, एंड बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, बाहर का खाना कभी हेल्दी नहीं होता है, भले बाजरे की रोटी क्यों ना हो। तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ हवा खाते हुए, अपनी मित्रा को जो है वो मैंने यहाँ पर बात कर दी, तो सुकून शांति में मेरे को चाहिए थोड़ी सी कम आवाज़ शांति। बट यहाँ पर बच्चे बहुत हैं, दो है, वो भी छोटे छोटे, पीछे देखो चप्पड़ चालू है इनका। बाय द वे ये जो जगह है इसका नाम है क्यूब स्टॉप टर्बन तंदूर। वाइट वाइट कार एक्चुअली होती है पार्क वहीं पर, बट मैंने अपनी रुद्रा को पार्क यहाँ पर कर लिया है। ये जो मुझे वॉशरूम जाना था वो वॉशरूम वहाँ पर है। एंड नज़र रखनी थी बाइक के ऊपर, तो इतना दूर से वैसे भी नज़र नहीं रख सकती हूँ मैं। एंड अंदर मैंने रुद्रा को डाल दी तो किसने कुछ बोला नहीं है। अभी तक बैठे बैठे मैंने 1 लीटर पानी यहीं पर निपटा लिया है, फिर भी मेरा गला सूख रहा है, इट इज़ दैट हॉट। अभी जब एक सूरज देता थोड़ा शांत नहीं हो जाता ना, तब तो मैं यहीं बैठने वाली हूँ, यहाँ से मैं कहीं नहीं जाने वाली। लेट्स स्टार्ट। आज का जो ट्रिप है अभी तक का वो 521 किलोमीटर्स हो गया है। सी दीज काइंड ऑफ बर्ब्स आई एम गेटिंग, पूरा टाइम चल रहा है मेरे साथ। देवा बहुत फटती है मेरी ऐसे वाले रसस खाने के लिए, जहाँ पर इतने सारे कंकड़ है बड़े बड़े वाले। बट द गुड पार्ट इज आई फील गुड नाउ, आई फील बेटर नाउ। फिर मुझे वो चीज़ याद आई जब मैंने कुछ टाइम पहले आप लोग को बोली थी ना, परीक्षा आसान नहीं है। ये तो होना ही था, ये बात पता ही था, इसके लिए तैयार रहना चाहिए था मुझे, विच इज़ आई एम, मतलब मैं तैयार हूँ। बट सबसे वाइज डिसीजन मैंने यही लिया कि मैं यहाँ पर आके मैंने थोड़ा सा हॉल्ट ले लिया, क्या होता ना वेरी फील एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड, तुम रास्ते पे ध्यान नहीं कर सकते हो, पूरा 100% कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, एंड पूरा टाइम ऐसे ही लगता है कि कब आएगा रास्ता, एंड योर जर्नी स्टार्ट्स इरिटेटिंग यू, जो कि अभी मेरे साथ हो रहा था। मुझे एकदम इरिटेट होने लग गया था कि यार हो क्या रहा है मेरे से, मैं क्यों इतना चला रही हूँ, ऑल दिस नेगेटिव क्वेश्चंस चालू हो गए थे। बट नाउ दैट सूरज देवता थोड़े से शांत हो चुके हैं, क्योंकि 5:30 हो गए, ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा अभी उजाला, एंड धूप इतनी हार्श नहीं है। ये वर्स्ट टाइम होता है 1 to 3 या 3:30 तक का जो टाइम होता है ना, आप लोग बोलते 12 बजे सूरज अपने सर के ऊपर रहता है, बट एक्चुअली ये टाइम पे सूरज अपने सर के ऊपर होता है, एंड सर के ऊपर नहीं खाली, सर पे ऊपर चढ़ के भाई तांडव चालू रहता है, महादेव महाकाल रूप धारण कर लेता है वो। परेशान हो गई थी मैं तो भी, कैसे वैसे मैंने यहाँ ही चला लिया, और आई थिंक 500 किलोमीटर बस ज़्यादा यार दिन में चलाने के लिए, बट अपन को ना अपने जी में सी बहुत है, इसीलिए अपन 600-700 किलोमीटर एक दिन में खींचते हैं। आई कीप इन माइंड के ऐसा ना करूँ, बस ये उज्जैन तक पहुँचना था इसलिए, उसके बाद में के सारे जो किलोमीटर्स हैं मेरे बहुत कम हैं। एंड वंस वी रीच सिलीगुड़ी तब तो किलोमीटर्स एकदम ही ड्रॉप है, लाइक हार्डली फ्यू किलोमीटर्स आई विल बी राइडिंग एंड एक्सप्लोरिंग मोर। अभी क्या है ना, ये वाले स्ट्रेच में वैसे भी एक्सप्लोर करने की कुछ है नहीं चीज़ें, तो जो एक्सप्लोर करना है वो तो डायरेक्ट उज्जैन में पहुँच के ही करना होगा दर्शन, तो बाहू से सीधा उधर को। अब इसके बाद में शुरू हो गई बीरो, गड़बड़ चल रहा है मेरे साथ। यहाँ पर मैप में अभी 70 किलोमीटर्स हो गया था, सडनली अभी 94 किलोमीटर्स हो गया है। ओ नो, मैं इसको निकाल कर देख रही हूँ क्या सीन है भाई। दिस इज अकॉर्डिंग टू मी टोल नंबर 9, क्योंकि मैं बीच में गिनती भूल गई थी ना इसलिए। बाय द वे इंदौर 17 किलोमीटर और उज्जैन अभी जो रास्ता है वो हो रहा है स्कैम मेरे साथ। मैप पहले कुछ बता रहा था, मैप अभी कुछ बता रहा है, समथिंग इज रॉन्ग। देखो भाई अपना ना बहुत सिंपल फंडा है, एक्स्ट्रा किलोमीटर चला लो चलेगा, बट ट्रैफिक के अंदर कम किलोमीटर चलाओ बिल्कुल नहीं चलेगा, इसीलिए अपन एक्स्ट्रा किलोमीटर्स वाला थोड़ा सा वाला रास्ता लिए, जो कि देवास के पहले ही लेफ्ट मार के अंदर को जाता है, ये बाईपास ये सारा रास्ता। अब एक जो रास्ता है वो सिटी के अंदर से जाता है, मतलब इंटर सिटी के अंदर से जाता है, विच आई डोंट वॉन्ट टू टेक एट ऑल, वो गर्दी में मैं अभी घुस नहीं सकती हूँ, तो ये जो टाइम है ना वो फुल सिटी ट्रैफिक का टाइम है,
ऑफिस छुट्टी है वैसे वाला टाइम है. इट इज 6 o'clock बाय द वे एंड किलोमीटर चेक. इट्स 555.5 किलोमीटर. मजा नहीं लाइफ. 76 किलोमीटर्स मोर टू गो. एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी इन द हाउस. देखो अभी एनर्जी मेरी कितनी मस्त आ गई ना, वापस से आ गई. बीच में बात ही नहीं कर पा रही है, सो ड्रेन. तो ये जो रुकने का डिसीजन था वो बहुत सही था. इट वॉज परफेक्ट. ऐसे रोज करूँगी मैं. जब बहुत ज़्यादा धूप हो जाएगी ना तब ने लगेगा, तब एक जगह मैं चुपचाप जगह पर जाकर बैठ जाऊँगी. भाई गोलमाल है. उधर का हाईवे पे थी जब किलोमीटर्स कुछ और थे, अभी अंदर के हाईवे पे आए तो किलोमीटर कुछ कम हो गए. अभी 58 किलोमीटर्स हो गए क्योंकि मैंने ना उज्जैन का ऐसे बोर्ड देख लिया था. उज्जैन से लेफ्ट मार के लेफ्ट बता रहा था वो बोर्ड, तो मैंने अंदर डाल दिया. मजाक चालू है क्या मेरे साथ? कोई तो बता दो, मेरा मैप तो बता नहीं रहा है. हाँ इसी के अंदर है भाई. उज्जैन कहाँ पर है? उज्जैन उज्जैन यही रास्ता बता रहा है. उज्जैन का तो अंदर वाला ही रास्ता है. ठीक है चलो लेट्स सी दिस रास्ता आल्सो. 1 hour 19 minutes 58 किलोमीटर्स हो गया है अभी. अभी वन वे है क्या? नहीं भाई, सामने से भी गाड़ियाँ आ रही है. यार मेरा मैप है ना मुझे कुछ भी बता रहा है. मैप बता रहा है यहाँ से राइट, अंकल बता रहा है यहाँ से लेफ्ट. ये ट्रैफिक है ना यहाँ पर. शुक्रिया. ये समझ गया भाई, वो उन्होंने बोला अंदर ट्रैफिक है, बोर्ड बता दिया ना अंदर का, वरना मैं प्रॉपर जा रही थी अपना बाईपास मार मार के, मैं फुकट का अंदर आ गई. मतलब वहाँ से अंदर घुसी, गोल गोल घूम के यहाँ से बाहर आ गई. तो लेट्स टेक दिस वे ओनली, जो देवास बता रहा है वही वाला रास्ता देते हैं, बाईपास मार के ही जाएंगे. काहे का फुकट का अंदर घुसे, है ना? सही बात है कि नहीं? होगा सच. अभी फिर किलोमीटर में होएगा बदलाव, बढ़ जाएगा अचानक से. वाह, इसके अंदर काश मैं बाइक डाल दूँ, एक में एक में सामान डाल दूँ, एक में मैं ऊपर सो जाऊँ. जानी लाइफ. अभी मैप को मैंने बताया कि मुझे यही ऑप्शन चाहिए, तो वो ऑप्शन नंबर 2 क्यों बताता है? जो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं बाइक चला रहा है इंसान बार बार चेंज नहीं कर सकता है. देखो लाइफ में इतना ही नहीं है सिर्फ बाइक चलाना है, व्लॉग करना है. लाइफ में बैटरी चेंज करना भी होता है. हम चेंजिंग माई थर्ड बैटरी और दूसरी बैटरी इसको मैं चार्ज भी लगा दूंगी अभी. और अपना जो आई गो देवा परमेश्वर पिछवाड़ा है उसको भी ठीक करना पड़ेगा. अभी बहुत दर्द कर रहा है मेरा. ओके, तो सीन ये है कि बैटरी चेंज हो गई है एंड मैं कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा रुक गई हूँ यहाँ पर. मी एंड रूजर वाइड वी हाई पे गर एंजॉइंग योर ब्लास्ट. ये आस पास के पास हो रही है. एंड जो सन है, सूरज देवता जिसने बहुत ज़्यादा परेशान किया है मुझे, वो हो रहा है सेट एंड बहुत ही सुंदर लग रही है. देखो 5x पे, 2x पे, 1x पे, 0.5 पे, सारे एक्सेस पे सुंदर लग रहे हैं. ये उज्जैन जो है ज्यादा दूर नहीं है, महाकाल के दर्शन होने वाले हैं. किलोमीटर वाइज ओनली हाफ सेंचुरी इज रिमेनिंग. कुछ ज्यादा ही टाइम हमने डाल दिया यहाँ पर. बट मजा आ गया. सनसेट की वाइब्स अलग ही होती है. इट्स जस्ट टू गुड. निपानिया 4 kilometers लेफ्ट, माया खेड़ी 2 kilometers राइट. सही है, फोन भी चार्ज हो रहा है. मैंने गोप्रो की दूसरी बैटरी से वो भी चार्ज पे लगा दी है. अभी ना किलोमीटर बढ़ गया है. नाउ इट इज 56 kilometers, 6 kilometers ज़्यादा बढ़ गया है. बट इट इज शोइंग 6 minutes फास्टर दिस रूट बाईपास वाला. मैं टोल भी क्रॉस कर रही हूँ. देन आई एंटर अगेन लेफ्ट में. बट व्हाट आई सेव ऑन इज चिड़चिड़पन ट्रैफिक. इतनी बड़ी जंबो जेट को लेके चलाना. पब्लिक टॉयलेट, सार्वजनिक प्रसाधन, व्हाट भैयाजी इट्स माइन. टोल क्रॉस कर लिया, टोल नंबर 9/10. भाई ऐसे में भोपाल ना पहुंच जाओ, सीधा सीधा जा सके. फाइनली इट्स टाइम, ये बाईपास तो करना पड़ेगा. अलविदा, अब हम करने वाले अंदर एंटर 44 kilometers इनसाइड. कोटा ऑल्सो लेफ्ट, उज्जैन ऑल्सो लेफ्ट. ये आ गया लेफ्ट, यही चेना लेफ्ट. हाँ दिखा तो यही रहा, उज्जैन लेफ्ट. ये भी बाहर बाहर के रास्ते से ही जा रही हूँ मैं. सिटी होता है ना, सिटी कैसा गोल घूम के जा रही हूँ क्योंकि अदर साइड यहाँ पर डायरेक्ट उज्जैन की एंट्री हो जाएगी. लुक एट द स्काई, ब्यूटीफुल पिंक कलर, ऑरेंज कलर, पर्पल कलर मिक्स. भाई यहाँ का माहौल तो अलग ही है, फुल हरियाली. I see greenery. I can smell green. Wow. कहाँ थे इतने टाइम तक? है महाराष्ट्र में हरियाली इज डेड ओवर, खत्म हो गया लगता. महाकाल के दर्शन करने की खुशी में ना मैं भूल ही गई कि अपने को मतलब अपने को यहाँ रुद्रा का भूख लगी हुई है. एंड खत्म हो गया पेट्रोल, ऑलमोस्ट खत्म हो गया. गाड़ी वापस जर्क देना शुरू हो गई है. एंड अभी 2 पेट्रोल पंप गए, वो दोनों पेट्रोल राइट में ही थे पेट्रोल पंप.
ये वाला भी पेट्रोल पंप राइट में ही दिख रहा है मेरे को, ऐसे क्यों लग रहा है मुझे यूटर्न मार के पूरा गोल गोल चक्कर काटना पड़ेगा अगर पेट्रोल भरवाना है तो, क्योंकि लेफ्ट में अभी तक एक भी नहीं दिखा है। यप उधर जाना पड़ेगा एंड यूटर्न बीच में से तो है ही नहीं, 24 किलोमीटर ही है बट पेट्रोल खत्म हो गया है। अभी एक ही HP का पेट्रोल पंप वो साइड दिख रहा है। भाई 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 आगे पेट्रोल पंप है क्या? यहाँ पे ही मिलेगा, ये साइड पे ही है, ये मिल जाएगा आपको आधे किलोमीटर पे, एक किलोमीटर में मिल जाएगा। ये साइड पे है ना, उज्जैन वाले रास्ते पे ही है ना, वहाँ से आगे से क्रॉस ही करना पड़ेगा आपको पुल उतर के उज्जैन के लिए। हाँ नीचे से ही जाना पड़ेगा, वही है ना पेट्रोल पंप। ओके शुक्रिया। है वो साइड पे जाने की जरूरत नहीं है, आधे एक किलोमीटर पे तक रुद्रा चली जाएगी। और अभी मैंने ना हेलमेट ऊपर करके चला रही थी मैं अभी, तो मस्त इतना बड़ा कीड़ा मेरा डायरेक्ट आग पे से एम करके सूट करके अंदर ना भाई, मेरा वाइजर भी फुल धुंधला हो गया है अभी। इसीलिए पूछ लेने का, नहीं पता है तो ऑलवेज आस्क लोकल, सही बताया उन्होंने। आधे किलोमीटर में पेट्रोल पंप ये आ गया नायरा का, यहाँ पर होगा टॉप फुल करना है। मुंबई से चला रही हूँ। थैंक गॉड दिस पेट्रोल पंप हैज हवा। अभी यहाँ पर हवा चेक कर रहे पीछे वाले में कितना है, टायर प्रेशर ज्यादा था 35 था। शुक्रिया। यहाँ पर जो बोर्ड आ गया है वो है रतलाम कोटा दिल्ली वाले बोर्ड आ गए। भाई उज्जैन बताओ, उज्जैन यहाँ पर है, उज्जैन स्ट्रेट सरल सरल ओनली 13 किलोमीटर है। जैसे किलोमीटर कम हो रहे ना मेरे को खुशी उतनी ज्यादा हो रही है। वाओ यहाँ पर तो स्ट्रीट लाइट्स भी है। अब यहाँ से सारे होटल्स शुरू हो रहे हैं, होटल राजसागर, बड़े बड़े होटल शुरू हो रहे हैं। अब मैं देख रही हूँ कि जितना मंदिर के पास जाकर होटल बुक करे वो सही रहेगा, भाई कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े महंगे, आई थिंक नॉट सो पॉकेट फ्रेंडली जब तुम सिर्फ राइड पे जा रहे हो इतने लंबी वाली। एक ही दिन में 3-4 दिन का स्टे का पैसा उड़ा दो यही पे, ना 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 डॉट हैपनिंग। अपन जाएंगे थोड़ा सा अंदर मतलब मंदिर के पास और वहां पर ही देखेंगे कौन सी होटल है। यहाँ पर लेफ्ट में त्रिवेणी घाट है और उज्जैन मंदिर आ गए। महाकाल की नगरी में आपका स्वागत है स्क्वाड, एक्साइटेड। ओ वाओ सामने देखो इतना सुंदर एंड इतना बड़ा गेट है, आहा महामृत्युंजय द्वार, नाइस। ये मैं मंदिर के और भी नजदीक आ गई हूँ, मार्केट वाला एरिया शुरू हो गया है यहाँ से। अब मैं ले रही हूँ यहाँ से राइट, एक होटल ढूंढ के निकाल रहा है, चलेंगे वहां पर अंदर। ओ माय गॉड यहाँ पर पार्किंग का लफड़े लग रहे हैं मेरे को। जगह पे पहुंच के देखते क्या है, अलग ही रौनक क्या मंदिर के 9-10 किलोमीटर से। लोकेशन कुछ और ही बता रहा है, कॉल करते हैं इनको। मंदिर कहाँ पर है? सामने ही। अच्छा यहाँ से कितना दूरी पे है वो, मतलब 2 मिनट का अपन चल चलेंगे। अच्छा हाथ की बात लग गई। मैं पहुंच गई होटल में, ये वाली होटल हमने बुक की, इट्स कॉल्ड महालोक पैलेस। ये रही महालोक पैलेस का ब्रश एंड ये रहा उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स। दिस रूम इज क्यूट एंड टू बिग फॉर 1 पर्सन, बट एक बार जो मैं मेरा सामान मेरे गैजेट्स और ऐसे ही हम सोने वाले हैं यहाँ पर। लुक एट मी, गीजर ऑन कर दिया है, मुझे सब बोला गया है कि अभी आधे घंटे में मुझे तैयार होना है एंड महाकाल के दर्शन जो है वो अभी कर लेंगे। वैसे मुख्य दर्शन अलाउड नहीं है करने का, बंद हो गया है, तो बाहर से ही जो भी दर्शन होगा वो, बट जैसे भी है दर्शन दर्शन होते हैं। इसको और आज का ब्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ, स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारोज़ ब्लॉग, वो शुरू अभी कुछ ही टाइम में होने वाला है, लाइक इन हाफ एन आवर। दैट्स अबाउट इट, एज ऑलवेज दिस इज रेडिकल विशाखा साइनिंग ऑफ, ब्रिंगिंग ऑल टू यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। मैं तुमको जल्दी मिलूंगी अगले ब्लॉग में, टिल देन कीप काम एंड गिव अ मोर पार्ट टू अस, साथ में बोलते हैं जय श्री महाकाल। हाँ हेलो या सर, मैंने कहा जेंट सर जेंट लेडी, ये क्या है, ये कहाँ कैसे क्या है, हैं